जिस ओसामा बिन लादेन ने 9 सितंबर साल 2001 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जहाज से उड़ाकर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो ओसामा बिन लादेन पता है कहाँ छिपा था? आतंकवाद पालने वाले देश पाकिस्तान के एबटाबाद में, और खुद अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में ही ढूंढ कर मारा था। लेकिन इसके बावजूद खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका की आंख नहीं खुल रही और वो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की मदद किए जा रहा है। ट्रंप सरकार के दौरान इस मदद पर रोक लगी भी थी, लेकिन बाइडेन ने सत्ता में आते ही रोक हटा दी और लड़ाकू विमान F-16 के बहाने अमेरिका पाकिस्तान को फंड देने लगा। बस इसी बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को लताड़ क्या लगाई, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया और भारत के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान में छुपा आतंकी ओसामा बिन लादेन भले ही मारा जा चुका हो, मगर आज भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद जैसे कई आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल पोस रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की आंख नहीं खुल रही और वो लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 बेड़े के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए $45 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। 7 सितंबर को अमेरिका ने यह ऐलान किया। अमेरिका के इस ऐलान के खिलाफ भारत ने सख्त एतराज जताया और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में बैठकर आतंकवाद को F-16 के मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के रिश्ते अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते। आज अमेरिका को इस रिश्ते की मेरिट के बारे में सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या मिला। आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं और जब F-16 जैसी क्षमताओं वाले एयरक्राफ्ट की बात हो जिसे हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है और उनका इस्तेमाल क्या है। आप ऐसी बातों को कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना रहे। Very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well nor serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this relationship, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it. Continue. Because at the end of the day, you know, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, everybody knows, you know, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own interests. And I would make a case, if I were to speak to an American policymaker, I would really make a case saying, look, what you are doing, forget about us for a moment, it's actually not good for you, what you are doing. Reflect on the history, look at the last 20 years of where this relationship has taken. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने F-16 के मुद्दे पर अमेरिका को उसके घर में लताड़ा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जैसे खलबली मच गई। और अब झल्लाए पाकिस्तान ने एस जयशंकर को जवाब देते हुए एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत से अंतर सरकारी संबंधों के बुनियादी मानदंडों का सम्मान करने और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर टिप्पणी करने से परहेज करने का आग्रह किया जाता है। भारत को भी अपने राजनयिक आचरण के गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ पुराना और व्यापक संबंध रहा है जो इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध मजबूत और बहुआयामी हुए हैं और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय संबंध इसे और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोनों देश रचनात्मक रूप से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में जुटे हैं। भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल कर चुके पाकिस्तान को अमेरिका ने जब इसी लड़ाकू विमान के नाम पर फंड दिया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो अमेरिका में घुसकर अमेरिका को इस मुद्दे पर जमकर लताड़ा ही। इसके अलावा 11 सितंबर को भी भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जबकि 14 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को भारत की चिंताओं की जानकारी दी थी।
जिसके बाद 22 सितंबर को अमेरिका को सफाई देनी पड़ी कि पाकिस्तान को F-16 के कलपुर्जे और उपकरण बेचे जाने को भारत के लिए संदेश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्योरिटी है। बहरहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अमेरिका की क्लास लगाई और फिर उसके बाद पाकिस्तान फड़फड़ाया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।